ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रदेश सरकार द्वारा जनता की समस्याओं के समाधान के साथ ही विभागाधारियों के जवाबदेही तय करने के मकसद से बिलासपुर के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पंचकाई में जनमंच कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने की। प्रदेश सरकार द्वारा जनता की समस्याओं के समाधान के साथ ही विभागाधिकारियों की जवाबदेही तय करने के मकसद से बिलासपुर के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पंचगाई में जनमंच कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने की। वही कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए राजीव सैजल ने सबसे पहले प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के तहत घर घर तक बेटी है अनमोल योजना को पहुंचाने के मकसद से संदेश वाहन को हरी झंडी दिखाई, जिसके बाद विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण भी किया। वहीं जनमंच कार्यक्रम के दौरान बिलासपुर सदर की 9 पंचायतों से ग्रामीणों की लगभग 273 समस्याओं व शिकायतें सामने आई थी, जिससे 130 समस्याओं का प्री जनमंच में समाधान कर दिया गया, जबकि अन्य समस्याओं को कैबिनेट मंत्री राजीव सैजल ने मौके पर सुनकर अधिकतर समाधान किया, जबकि शेष समस्याओं को जल्द समाधान का अधिकारियों को निर्देश भी दिया। वहीं जनता को संबोधित करते हुए राजीव सैजल ने जहां जनमंच को प्रदेश की महत्वाकांक्षी योजना बताई, तो साथ ही पूर्व कांग्रेस सरकार द्वारा जन समस्याओं को तवज्जो देने के बजाय केवल कुर्सी में बने रहने का आरोप लगाते हुए कांग्रेसी नेताओं द्वारा जनमंच को जंड मंच के बयान पर पलटवार करते हुए पूर्व सरकार द्वारा जनता को कोई भी सहयोग न दिए जाने की बात कही। आपकी वेदना में समझ आपकी बात से मैं सहमत हूँ। 30 लोग मरे हैं। वो ठीक है, हम बिल्कुल सहमत होता है जब रोड पे बस घूमती है दुर्घटना हुई। मेरा ना एक्चुअल दुश्मन है ना। राम लोग की सुन ली है इसमें आपसे लोगों को पता लगेगा बस आपसे सहमत है। इसकी डीपीआर जो है वो बढ़ने की प्रक्रिया को पहले डीपीआर बनी, उसके बाद बन गई डीपीआर, ऐसे का प्रावधान इसमें हो जाएगा और अगले वर्ष जो है इसका काम जो है वो प्रारंभ हो जाएगा। ये आपको आश्वस्त मैं भी करना चाहता हूँ और आपको ये बोलना चाहता हूँ, बिल्कुल इसकी मॉनिटरिंग करेंगे, सरकार के तौर पर भी करेंगे, मैं व्यक्तिगत तौर पर भी करूंगा, विधायक जी के साथ हम खड़े हैं इस मामले पर, इनको कहीं दिक्कत आती है हम इनके साथ खड़े हैं। इसमें हमने डीपीआर बनवाई है, ये अगले साल ये आ जाएगा, आपको साथ लेके और बाकी लोगों को साथ लेके मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मत बोलो, ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप हम इसमें क्या किया है। हमने इसके एक मुश्त 22 करोड़ रुपया बिलासपुर से लेके ब्रह्मपुत्र तक की डीपीआर बनवाई है, अगले साल वो सैंक्शन हो जाएगी और अगले साल इसका काम वाइडनिंग भी होगी इसकी और इसके जितने भी बोर्ड है उनको भी काटा जाएगा। ये मैं एक जानकारी दे रहा हूँ, आपने मानना है अलग चीज है, नहीं मानना है अलग चीज है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ।